हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटी एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियोज में सीखा था कि कैसे यूजर को मैसेज देना है। कोई भी मैसेज अगर आप यूजर को देना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो आपको कैसे देनी, यानी कि हमने मैसेज बॉक्स फंक्शन के बारे में सीखा था अपनी पिछली वीडियोज में। उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने सीखे थे, वेरिएबल क्या होता है ये सीखे थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख के सीख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। अगर यूजर से हम कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, उसके दो तरीके हैं। एक, या तो यूजर ने यहां पे सेल में कोई वैल्यू लिखी हुई है, ये हम अपने मैक्रो कोड में गेट कर लें, या फिर यूजर से हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट करके, डायरेक्ट इनपुट बॉक्स उसके सामने शो करा के हम उससे वैल्यू एंटर करने के लिए बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन आज पढ़ेंगे कि इनपुट बॉक्स यूजर के सामने आए और यूजर को उसमें वैल्यू एंटर करने के लिए बोले। ठीक है, तो सबसे पहले डेवलपर टैब में जाएंगे, उसके बाद विजुअल बेसिक पर क्लिक करके अपना मैक्रो का एडिटर हम ओपन कर लेंगे। अब मैक्रो एडिटर में मैंने आपको बताया सब रूटीन सबसे पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे सब और इसका नाम मैं लिख देता हूं गेट वैल्यू। ठीक है, इतना तो अभी तक हमने सीखा हुआ है। अब मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाया था, क्योंकि इनपुट बॉक्स में अगर यूजर ने वैल्यू एंटर की है तो सीधी सी बात है वो आपको अपने प्रोग्राम में होल्ड करानी होगी। तो होल्ड कराने के लिए आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिम ए। ए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एज। किस टाइप की वैल्यू आपको यूजर से चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, इंटीजर चाहिए, फ्लोट चाहिए, वेरिएबल वाली वीडियो में मैंने आपको ये सब चीजें बताई हैं। तो मान लिया हम ये मान के चलते हैं कि हमें वैल्यू चाहिए यूजर से इंटीजर टाइप, यानी कि 1 2 3 4 5 में हमें वैल्यू चाहिए, तो डिम एज इंटीजर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद अब हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ये कह रहा है आपसे प्रॉम्प्ट कि यूजर को वहां पे मैसेज क्या मिले। मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा में आपको हमेशा लिखना है एंटर द वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आप इसे बंद कर देंगे। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि भाई प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, ए में वैल्यू आई या नहीं आई, तो मैसेज बॉक्स ए करके हम ए को प्रिंट कर देंगे, ए की वैल्यू हम प्रिंट होगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, जैसे यहां पे आएगा रन करेगा यहां पे आपको मिलेगा एंटर द वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका प्रॉम्प्ट मैसेज हो गया। और यहां पे आप वैल्यू डालेंगे, मान लें मैंने वैल्यू डाली 10 और ओके किया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन अगर रन होगी तो हमें प्रॉम्प्ट कर देगा कि आपने 10 वैल्यू एंटर की है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड कि सिंपल आपने वैल्यू ले लेनी है और प्रिंट कर दिया आपने। ठीक है, सेकंड मैं चाहता हूं कि यूजर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो बॉक्स में लिखा हुआ आ रहा था, देखो ये वाला, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है, ये ना आए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जगह पर मेरा वर्ड आए, तो ओके करेंगे और यहां पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा, या फिर मैं इसका अलग एक एग्जांपल बना देता हूं। इस लाइन को मैंने कर दिया कमेंट और मैं यहां पे लिखूंगा ए इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर योर वैल्यू कॉमा। आप बोला टाइटल, यहां पे आपको टाइटल देना है, तो टाइटल मैंने लिख दिया मान लिया कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। ठीक है, इसके बाद आप बंद कर दें। अब सेम मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। ये रन किया, यहां पे आ गया एंटर द वैल्यू और देखो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जगह आ रहा है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में आपने यहां पे वैल्यू डाल दी मान लिया 33, उसके बाद ओके कर देंगे और उसके बाद फिर से रन करेंगे तो 33 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अभी मैं एक और इसमें एडिशन चाहता हूं कि भाई मान लिया यूजर ने वैल्यू डाली नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो। भाई मान लिया यूजर ने वैल्यू नहीं डाली लेकिन मुझे वैल्यू तो चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ए वेरिएबल है वो ब्लैंक रहे, डिफॉल्ट वैल्यू उसमें आए, तो इसके लिए मैं फिर से ये लाइन लिख देता हूं। यहां पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और कैलकुलेशन के बाद आप फिर कॉमा लगाएंगे और यहां पे बोल रहे डिफॉल्ट, ये देखिए ये कह रहा है डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे आप जो भी देंगे, मैंने दे दिया 28
ये 20 दे दिया। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। यहां से स्टेप से स्टार्ट किया मैंने, और जैसे यहां पर क्लिक करेंगे ये देखो अब यहां 20 ऑलरेडी है। अगर यूजर ने कुछ नहीं लिख के इसको ओके किया है तो ये 20 वैल्यू चली जाएगी अपने आप, और अगर इसको एडिट कर दिया है तो फिर जो आपने एडिट किया है वो आएगा, ये 4-5 आ जाएगा। अगर यूजर ने एडिट नहीं किया है, डायरेक्ट उसने इस वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दिया, ओके कर देंगे तो 20 ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पोजिशन क्या बनेगी इनपुट बॉक्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें और पढ़ सकते हैं। मान लिया मुझे इसकी पोजिशन चेंज करनी है। अभी क्या है, ये जब ये प्रोग्राम रन होता है तो ये बीचों बीच आता है। मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन पे एक तरफ आए, ये इसकी पोजीशन एक्स और वाई पोजीशन मैं इसकी चेंज कर सकूं। इस केस में आपको क्या करना है, इसको आगे कोड लिखना है। इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट ओ कमेंट, और इसको आगे यहाँ पे लेके आए हम इनपुट बॉक्स, ये हो गया डिफॉल्ट वैल्यू कॉमा। अब ये पूछ रहा है एक्स पोजीशन क्या होगी इसकी और वाई पोजीशन क्या होगी। एक्स पोजीशन से आप इसे लेफ्ट से राइट की तरफ को सेट कर सकते हैं, और वाई पोजीशन से आप इसे अप से डाउन की तरफ को सेट कर सकते हैं। तो मान लिया मैंने यहाँ पे एक्स पोजीशन को 1000 कर दिया पिक्सल, और इसको मैंने कर दिया 2000 पिक्सल, और एक्स और वाई पोजीशन इसकी मैंने सेट कर दी। और इसके बाद मैं इसको दोबारा से कोड को रन करूँगा। देखो ये थोड़ा स्क्रीन से बाहर चला गया है, आपको केवल आधा हिस्सा दिखा इसमें, क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन अब मिडिल नहीं है, अब इसकी पोजीशन लेफ्ट में हो गई है। ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको देखो ये बिल्कुल मिडिल में आ रहा है। तो इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। अभी 1000 की जगह मैंने कहा कि ये 4000 पिक्सल राइट में खिसक जाए लेफ्ट से। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूंगा, अब ये देखो अब इसकी पोजीशन यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको मैनेज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल मिडिल में ना आके इधर उधर आए। तो इस तरह से आप अपने बॉक्स को सेट कर सकते हैं इसकी पोजीशन। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और अलग से हेल्प फाइल अटैच करनी है, या कोई और कुछ और नया कॉन्सेप्ट अटैच करना है, तो कोमा के बाद इसमें हेल्प फाइल कॉन्टेक्स्ट एज स्ट्रिंग टाइप के ऑप्शन है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली हम यहीं तक यूज करते हैं इनपुट बॉक्स को। इसकी वैल्यूज को कैसे यूज करते हैं हम ये देखते हैं। मान लिया मैंने ए में वैल्यू ले ली, ठीक है चलिए ए में वैल्यू मैंने वैल्यू ले ली यूजर से, और इनको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 20 डिफॉल्ट वैल्यू इसको भी मैं हटा देता हूँ, और इतना मैंने रख लिया। अब ए ले लिया मैंने, अभी मुझे मान लिया कैलकुलेशन करनी है दो वैल्यू की। तो इस केस में एक वेरिएबल मेरे पास है, दूसरा वेरिएबल भी मैं डिक्लेयर करूंगा डेल बी एज इंटीजर। बी में वैल्यू सेकंड वाली आएगी। अब जब ये दोनों प्लस होंगे तो सीधी सी बात है तीसरी वैल्यू भी बनेगी। एक वेरिएबल ले लेंगे हम सी एज इंटीजर, जिनमें ए प्लस बी दोनों कंबाइन होके आएंगे। तो अब यहां हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन बी तो हमने यूज बी में तो वैल्यू ली नहीं है। तो इसी लाइन को कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दें और इसको कर देंगे बी इज इक्वल टू, अब एंटर, योर वैल्यू की जगह लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वैल्यू। अब हमें सी के रिजल्ट को प्रिंट करना है, ए प्लस बी में जो वैल्यू प्लस होकर सी में गई है ए और बी की, उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैंने आपको वीडियो पूरी बना के दी है प्रिंट मैसेज प्रिंटिंग की, उसके कुछ ऑप्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एमएसडी बॉक्स प्रॉम्प्ट, सबसे पहले आप यूजर को क्या मैसेज देंगे, तो मैसेज मुझे देना है योर सम इज। अब यहाँ तक तो था वो टेक्स्ट जो एज दिस हमें प्रिंट करना था आउटपुट स्क्रीन पे, लेकिन सी को तो हम प्रिंट नहीं कर सकते, सी की तो वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। तो यहीं पे इसको इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और एंड के साथ हम कंकैटिनेट कर देंगे सी की वैल्यू को, ठीक है। इसके बाद कॉमा बटन क्या क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे केवल ओके बटन चाहिए, तो बी ओके ओनली यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दें। कॉमा टाइटल क्या चाहिए, टाइटल मुझे चाहिए रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद इतना ही करना है आपको, इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन पे क्लिक किया, एंटर फर्स्ट वैल्यू पूछ रहा है, मैंने कहा फर्स्ट वैल्यू इज 5, ओके। एंटर सेकंड वैल्यू, मैंने कहा 12, ओके।
दसवीं में 17। और देखो केवल ओके ही बटन आ रहा है, कैंसिल वगैरह कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसमें वीबी ओके ओनली फंक्शन पास किया हुआ है, पैरामीटर पास किया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और इस वीडियो की एक्सेल फाइल को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अवर चैनल।